सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी से फोन पर बातचीत करी है। क्या खबर आ रही है सर, बताइए। बिल्कुल निशा, अब से थोड़ी देर पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार प्रभारी हैं कांग्रेस के भक्त चरण दास, जी उनसे फोन पर बातचीत की है और जी कहा जा रहा है कि 10 मिनट तक उन दोनों की बातचीत हुई है। फिलहाल भक्त जी चरण दास दिल्ली में हैं जी और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जो जी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसी से संबंधित दोनों के बीच में बातचीत हुई है जी और 10 मिनट तक लंबी बातचीत हुई है, तो इस पर गहन मंथन किया गया है। शायद उनसे कहा गया है कि इस दिन कैबिनेट का विस्तार होना है, तो आप अपने जी विधायक में से किनको मंत्री बनाया जाना है उसका नाम भेजा जाए, जी ताकि उनके राज्यपाल को उनका नाम भेजा जाएगा और फिर शपथ लेने की तारीख तय होगी और शपथ लेने के लिए उनको कॉल होगा। ये जी जानकारी वैसे कई दिनों से चर्चा चल रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। वैसे जो पहली जी बैठक हुई थी विपक्षी दलों की पटना में, तभी जी ये कहा जा रहा था कि बैठक के जस्ट बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। काफी जी दिनों से 4 मंत्रियों का कोटा खाली है, 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं बिहार में। अभी 33 मंत्री हैं, तो पांच जी मंत्री अभी भी बनाए जा सकते हैं। तो कांग्रेस जी का दावा है कि 2 मंत्री उनके बनाए जाने चाहिए, जितनी हिस्सेदारी है उनकी, जितने जी विधायक हैं उस मुताबिक उनका कोटा 4 मंत्रियों का होता है, लेकिन अभी 2 मंत्री ही बनाए गए हैं। तो लगातार जी उनके तरफ से काफी दिनों से मांग चल रही है, मांग की जा रही है कि हमारे तरफ से 2 विधायकों को और मंत्री बनाया जाए। जी इसके अलावा सुधाकर सिंह और कार्तिक सिंह, 2 लोगों का इस्तीफा हुआ था जो कि राजद कोटे से हैं, तो उधर जी से भी 2 मंत्रियों को बनाया जाना है। लास्ट टाइम संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया था, तब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, लेकिन तब भी यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बाकी लोगों का भी मंत्रिमंडल में, बाकी लोगों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन तब सिर्फ संतोष सुमन की जगह की ही भरपाई की गई थी और रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया था जेडीयू कोटे से। अब जी ये माना जा सकता है कि अगले 1 से 2 3 दिन में, 2 से 3 दिन के अंदर में कभी भी, या फिर ये कह सकते हैं कि कभी भी उन विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलावा आ सकता है जिनका नाम कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और राजद कोटे से भी जिनका नाम मुख्यमंत्री को दिया जाएगा उन्हें मंत्री बनाया जाना है। और इसी से संबंधित आपने हम लोग में चर्चा की थी कि लास्ट टाइम भी नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पर जाकर के लालू यादव, जी तेजस्वी यादव जी और जी राबड़ी जी देवी वहां मौजूद थी, तो वहां पर जी बातचीत हुई थी। तो वो भी खबरें जो सामने आ रही थी उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही चर्चा हुई थी। एक और जी खबर आई थी कि शायद नीतीश कुमार ने उस दौरान लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये कहा था कि चाहे कोई भी मंत्री बन जाए जी उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दागी नहीं होना चाहिए, यानी यादव जी हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप जिनका नाम देंगे उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि दागी ना हो। जी इसलिए चूंकि सुशासन की छवि उनकी मानी जाती है और उनकी छवि पर दाग न लगे, याद होगा कि कार्तिक सिंह को भी कानूनी पचड़े में पड़ने के कारण ही इस्तीफा देना पड़ा था। तो जो जी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भक्त चरण दास से नाम मांगा गया है, उससे संबंधित बात हुई है, 2 नाम भेजा भी गया है, और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक विजय शंकर दुबे जो कि महाराजगंज के विधायक है, कांग्रेस के 4 बार से विधायक रह चुके हैं, इसके जी अलावा एक औरंगाबाद के विधायक हैं आनंद शंकर, राजपूत जाति से आते हैं, उनका नाम भी भेजे जाने की सूचना है, और विजेंद्र चौधरी हैं मुजफ्फरपुर से, कांग्रेस के विधायक, इससे पहले वो निर्दलीय थे, वैश्य समुदाय से आते हैं। तो आनंद शंकर और विजेंद्र चौधरी में से किसी एक का नाम फाइनल हो सकता है, और विजय शंकर दुबे का नाम ब्राह्मण कोटे से, ब्राह्मण जी बिरादरी से आते हैं, तो उनका नाम करीब करीब फाइनल बताया जा रहा है। हालांकि पहले जो खबर सामने आ रही थी उसके मुताबिक अजीत शर्मा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आपको याद होगा कि अजीत शर्मा को विधायक दल का नेता पद से भी सडन हटा दिया गया था और शकील अहमद खान को वहां पर बैठाया गया था। तो उनका जी नाम माना जा सकता है कि वो इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में उनका नाम शामिल नहीं होगा, और वो मंत्री रह भी चुके हैं। इसके अलावा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे थे मदन मोहन झा, उनका नाम भी चर्चा में चल रहा था, लेकिन वो भी मंत्री रह चुके हैं, तो नए लोगों को मंत्री बनाए जाने की सूचना है। अब ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो मंत्रिपरिषद विस्तार का काउंटडाउन शुरू है, और कभी जी भी जिनको मंत्री बनाया जाना है सीएम हाउस से बुलावा जी आ सकता है। निशा,
जी सर, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किसे मंत्री बनाया जाता है और कब तक बुलावा आ सकता है मंत्री लोगों को। सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।